नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिंदगी रोजाना विद श्वेता में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा DIY मैंने बनाया है। और ये कैसे बनाया है ये आपके साथ शेयर करूँगी, और उसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि वो घर में डोसा इसलिए नहीं ट्राई करती हैं क्योंकि उनके पास डोसे वाला तवा नहीं है और लोहे के तवे पर उनका डोसा चिपक जाता है, अच्छा नहीं बनता है बिल्कुल भी। तो अब आप बेफिक्र होकर लोहे के तवे पर डोसा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी टिप्स जिससे आपके डोसे बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, ये है बैटर जिससे मैंने कल यानी कि एक दिन पहले इडली बनाई थी और थोड़ा सा बचा कर रख लिया था आज डोसा बनाने के लिए। तो फ्रिज में रखा हुआ था, इस वजह से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और डोसे के अब कंपेयर में इडली का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होता भी है। तो तब तक ये नॉर्मल हो रहा है, तब तक मैंने बना ली आलू और अब ये बैटर नॉर्मल हो चुका है, ठंडा नहीं है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब, टेबल स्पून है ये बेसन, और 1/2 टीस्पून है नमक और 1/2 टेबल स्पून है चीनी। इन तीनों चीज़ों को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और चूंकि इडली का बैटर थोड़ा गाढ़ा होता है और फ्रिज में रखने की वजह से और भी गाढ़ा हो गया है, इसलिए हमें डोसे के लिए इसे थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। तो गुनगुना पानी डालकर मैंने इसे इतना पतला कर लिया है कि अब जब मैं चम्मच से इसे चला रही हूँ तो चम्मच के बैक साइड पर ये देखिए इस तरह की लेयर आ रही है, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। अब शुरू करते हैं लोहे के तवे पर डोसे को बनाना। तो ये तवा है, मैंने इसे सुबह इसमें पराठे बनाए थे तो इस वजह से ये जो है थोड़ा सा चिकना है, और इसके बाद मैंने इसे गैस पर चढ़ाया और इस ब्रश से इसे रिफाइंड ऑयल से पूरा ग्रीस कर लिया है। और एक कपड़े के टुकड़े, साफ़ टुकड़े को थोड़ा गीला कर कर उससे एक बार पोंछ लिया है पूरी तरह से, और अच्छी तरह से तवा गर्म होने दें, धुआं निकल जाने दें कायदे से। तो चाहे तो आप इसे तुरंत डोसा बनाएं तो ब्रश से थोड़ा सा पानी इसमें तवे पर मैंने फिर से लगा दिया है जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और आँच कर दी है धीमी। और अब इसमें मैं बैटर डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब। तो ये रोटी और पराठे का तवा थोड़ा सा बीच में गहरा होता है, कुछ तवे फ्लैट भी होते हैं लेकिन मेरा तवा है बीच में थोड़ा सा गहरा। तो जब मैं बीच में बैटर डालती हूँ तो वहाँ पर बैटर को ज़्यादा देर रुकने नहीं देती हूँ, तुरंत उसे फैला देती हूँ, वरना वहीं पे थिक होकर वो पक जाता है बैटर। तो जब भी बैटर बीच में डालें उसे तुरंत से फैला दें एक लेयर पतली लगने के बाद, और धीमी आंच पर ही इसे अच्छे कलर में आने दें। देखिए किनारे किनारे से पूरा लाल सा कलर आ जा रहा है, गोल्डन कलर का हो जा रहा है। और अपने पलटे को थोड़ा पलट कर ही इसे इस तरह से निकालें, बहुत ही आसानी से ये डोसा तवे को छोड़ देता है। आपने इसका क्रंच सुना, ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है, चूर नहीं हो रहा है लेकिन क्रंची है। तो अगर आपको बड़ा बनाना है लोहे के तवे पे डोसा तो आप पूरा अच्छे से फैला दें, बीच में बिल्कुल भी ना रुकने दें, और हर तरफ कायदे से आंच धीमी कर दें उस समय जब फैलाना हो, और आंच तेज कर कर इसे जब बीच में एक बार सुनहरा कलर आ जाए तो आंच को तेज कर कर तवे को हर तरफ आंच दिखा दें जिससे कि किनारे किनारे भी अच्छी तरह से डोसा कुरकुरा हो जाए और कलर अच्छा आ जाए। बस इस पे रखें फिलिंग और निकाल दें, तुरंत से ही ये छूट जाता है बड़ी ही आसानी से। धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह पकने दें और अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ जाए तभी आप इसे निकालें। देखिए ये डोसा बने हुए काफ़ी देर हो रही है लेकिन फिर भी अभी क्रंच है इसमें, और ये है लास्ट डोसा। इसको देखिए मैं बिल्कुल आसानी से निकाल देती हूँ, आप किसी भी बर्तन से, चिमटे से या अपने पलटे से आसानी से इसे पलट सकते हैं। बस ध्यान ये रखें शुरुआत में आप एक बार तेल की लेयर लगा दें और उसके बाद हर डोसे से पहले पानी की एक लेयर उसमें ज़रूर लगा दें, और ब्रश को पानी में ही डूबा रहने दें। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ अपने लोहे के तवे पर ही डोसा। ये ट्रिक अधिकतर लोगों को पता होगी लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता है ये उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है।
तो देखा आपने कि किस तरह से मैंने लोहे के तवे पर डोसा बनाया और बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा ये सारी टिप्स। और अब चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा एक DIY जो कि बना है वेस्ट बैंगल्स और ऊन से। तो DIY वॉल डेकोर आइटम बनाने के लिए मैंने लिए हैं कई तरह के कलर के ऊन, और बड़े गोले के ऊन को छोटे छोटे गोलों में बना लिया है, और ली है 2 चूड़ियाँ एक साथ। ये पुरानी चूड़ियाँ हैं जिन्हें मैं आज रीयूज़ करने वाली हूँ इस DIY में। तो एक गांठ लगा लें नॉर्मल सी, और उसके बाद इस तरह से चूड़ी को पकड़ कर उंगलियों से ऊन को लपेट लें, और चूड़ी के बीच में से और ऊन के बीच में से गोले को निकालें, और इस तरह से नॉट लगाते चले जाएं, जिस तरह से हम स्वेटर बनाने में सलाई में फंदे डालते हैं, कुछ उसी तरह से ये नॉट लग रही है। तो इस तरह से मैंने चूड़ियों में पूरा नॉट ये लगा दी है। और इसमें मैंने रीयूज़ किया है कई चीज़ों को, जैसे कि एक तो मेन है इसमें बैंगल्स और ऊन, कुछ मेरे पास पहले के पड़े हुए थे, और कुछ चीज़ें जो घर में थी वो यूज़ किया है। साथ ही कुछ चीज़ों को मैंने ख़रीदा है, जैसे कि कुछ डेकोरेटिव आइटम है जिनसे इसको मैं सजाऊंगी। तो जैसे कि ग्लास है राउंड शेप वाले, और कुछ गोल्डन घंटियां हैं और मोतियां हैं। तो इस तरह से मैंने ये डेकोर बनाया है, और ये देखिए चूड़ी पर पूरी तरफ मैंने ये ऊन को इस तरह से लपेट कर लास्ट में फिर से एक नॉट लगा दी है, जिससे कि इसमें फिक्स रहे। तो ये है ग्लिटर पेपर मेरे पास रखा हुआ था, और रेड और येलो कलर में है ये। येलो कलर वाले को मैं 1-1 इंच के करीब स्क्वायर में काट रही हूँ, ये भी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। और कई तरह के कलर के ऊन से मैंने चूड़ियों को कवर किया है, और अब इसके बाद इन चूड़ियों में जो एक्स्ट्रा ऊन निकला हुआ है नॉट लगाने के बाद, उन्हें हटाया और एक सुई में डाला है लंबा ऊन डबल करके, क्योंकि मैं जो हूँ सुई से इन बैंगल्स को फिक्स करूँगी, जोड़ते हुए ऊपर तक ले जाना है। 8 चूड़ियाँ मैंने इसमें जोड़ी हैं, जिससे एक लंबी लड़ी सुंदर तैयार हो जाए कहीं टांगने के लिए। तो इस तरह से सुई से पहले चूड़ी पर मैंने ऊन पे जो डिज़ाइन बनी है, किनारे बने हैं उन पर टाँका है, और इससे लेते हुए करीब 3 सेंटीमीटर मैंने ये जगह छोड़ी है बीच में, 2 चूड़ियों के बीच में। तो उतना ऊन छोड़कर अगली नॉट लगाई है अगली चूड़ी में।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और डोसा घर पे जरूर ट्राई करिएगा लोहे के तवे पर। और DIY पसंद आया हो, वॉल डेकोर आइटम पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें जिससे सब्सक्राइबर बढ़ें, और साल भर होने जा रहा है मेरे चैनल को तो मुझे बहुत खुशी है कि साल भर तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया। ऐसे भी आगे भी मेरा साथ आप लोग देते रहिएगा, और उम्मीद है हमारा चैनल आगे से आगे बढ़ेगा और हमारी YouTube फैमिली भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले एक यूज़फुल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय माता दी, बाय बाय।